A very good morning students welcome back to the class today we are going to start chapter number 18 pollution of air and water course content we are going to study about introduction to pollution air pollution its effect and method of control of air pollution water pollution its effects methods of control of water pollution and potable water it's day one of our class, so we are going to study about the first two topics. first, introduction to pollution. as we know that air and water are the two most important natural resources. both are necessary for our survival. but various human activities, uh, the, the, the things we do in our daily life, that contaminate the air and water this has led to the serious health hazard and environmental problems so it is very essential for us to save water and air and we should we have to keep them free from these harmful substances the contamination of natural resources like air and water by addition of harmful substances due to various एक्टिविटीज इज कॉल्ड पॉल्यूशन पानी और हवा दोनों को हार्मुल सब्सटांसेस से उनके अंदर हार्मफुल सब्सटांसेज एड करना बाई द्यूमन एक्टिविटीज उसको हम पल्यूशन कहते हैं कोई भी सबस्टांस जो पल्यूशन करता है दैट इज कॉल्ड पॉल्यूटेंट फॉर एग्जाम्पल कार्बन मोनोऑक्साइड सल्फर एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड डस्ट एंड स्मोक सीवेज ये सारे के सारे पॉल्यूटेंट्स हैं फॉर एग्जाम्पल फर्टिलाइजर्स जो हैं, जो हमारी क्रॉप में तो हेल्प करते हैं बट जब हम उसका एक्सेस यूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं, तो वो हमारी सॉइल को कंटेमिनेट कर देते हैं उसको खराब कर देते हैं, उसको गंदा कर देते हैं एयर पॉल्यूशन अब एयर पॉल्यूशन होता कैसे है डेली लाइफ में हम क्या कर रहे हैं टॉक्सिक गैसेस रिलीज हो रही हैं चाहे वो फैक्ट्री से हैं चाहे वो हमारे व्हीकल से हैं स्मोक एंड इतनी डस्ट है ये सारे के सारे जो अनवॉन्टेड सब्सटांसिस हैं वो सारे के सारे एयर को गंदा कर रहे हैं तो जिसकी वजह से एयर पोल्यूटेड हो रही है इसके हार्मफुल इफेक्ट क्या है इट कैन कॉज वेरियस हेल्थ प्रॉब्लम क्या कौन सी हेल्थ प्रॉब्लम हमारी आंखों में इरिटेशन होती है नोज एंड थ्रोट में इरिटेशन होती है रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है लंग कंजेशन हो रहे हैं एसिड रेन कॉज कर रही है अब एसिड रेन की वजह से क्या हो रहा है कैसे एसिड रेन हो रही है जितना भी व्हीकल का धुआं है सारा कुछ इतना फैक्ट्रीज का निकला हुआ धुआं है वो आखिरकार जाता कहाँ है क्लाउड बन जाते हैं उसके और वही जब क्लाउड इन फॉर्म ऑफ रेन नीचे आते हैं तो क्या है एसिड रेन कॉज होती है जिसकी वजह से सॉइल की एसिडिटी इंक्रीज होती है मोनूमेंट बिल्डिंग्स जो हैं वो सारी डिस्ट्रॉय हो रही हैं क्रोजन हो रहा है तो इसकी वजह से क्या है अब देखो ताजमहल सबसे बड़ी एग्जाम्पल है अगर उसकी केस स्टडी पढ़े तो ताजमहल सबसे बड़ी एग्जाम्पल है क्योंकि उसका जो संगमरमर है वाइट कलर का वो खराब होना शुरू हो गया है क्यों हो रहा है क्योंकि एसिड रेन हो रही है इसलिए ग्लोबल वार्मिंग हो रही है एयर पोल्यूशन से ग्लोबल वार्मिंग सबसे पहले हमें तो ग्रीन हाउस इफेक्ट पता होना चाहिए कि क्या है कि कि ऐसा फिनोमिना कहाँ पे क्या हो रहा है कि जब सन की रेज जो है वो अर्थ के एटमोसफेयर में आ रही हैं तो क्या है इतनी सारी गैसेज है हमारे एटमोसफेयर में फॉर एग्जाम्पल कार्बन डाइऑक्साइड मिथेन एंड सी एफ सी ये क्या करती हैं सन रे को ट्रैप कर लेती हैं इसको रिफ्लेक्ट बैक होने नहीं देती जिसकी वजह से हमारी अर्थ का टेम्परेचर बढ़ रहा है जिसको बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट और जैसे ही जैसे ग्रीन हाउस इफेक्ट के इंक्रीज होते होते जो टेम्परेचर जो एटमोसफेयर का अर्थ का टेम्परेचर जो एवरेज टेम्परेचर है वो बढ़ रहा है दैट इज Causing global warming. कैसे रोक सकते हैं, हैं? ज्यादा से ज्यादा चेक होना चाहिए रेगुलरली अपने वहीकल्स का लेटेड पेट्रोल जो है अनलेटेड पेट्रोल यूज करना चाहिए एनवायरमेंट फ्रेंडली यानी के सी एन जी जो है फ्यूल वो यूज करना चाहिए रिसाइकल करने चाहिए पेपर टू सेव ट्रीज वुड रिप्लेस करो कोल रिप्लेस करो केरोसिन रिप्लेस करो विद दी, विद एलपीजी हमें एलपीजी का यूज करना चाहिए डोमेस्टिक पर्पस के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वो, वो यूज करनी चाहिए दिस इज योर होमवर्क रीड पेज नंबर टू थर्टी नाइन टू टू फोर्टी फोर ऑफ योर एनसीआरटी बुक फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग थैंक यू